आपने वो फिल्म देखी होगी डर्टी हैरी की, वो एक ऐसा कोई सिपाही था जो कि बस बंदूक का फैसारों को इधर उधर गोलियां मारता फिरता था। भाई हाँ। एक मूवी डाउनलोड करनी है यार। कौन सी? डर्टी हैरी का। क्यों देखनी, क्यों, ये बता पहले। भाई इमरान खान डर्टी हैरी कर रहा है, मैं भी देख लूँ किस चीज़ के बारे में कर रहा है भाई। डर्टी हैरी का कॉन्सेप्ट क्या है तो मैं दिमाग। एक बंदा होता है वो सबको ठीक करने के लिए लोगों को गोलियां मारता जाता है हर जगह। जैसे खान साहब ने कहा था ना जर्मनी और जापान की बॉर्डर, तो बहुत सारे लोग निकल गए थे ढूंढने के लिए कि वो कौन सी जगह है जहाँ, उसी तरह ये डर्टी हैरी भी है। You're a legend in your own mind. क्लिंट ईस्टवुड साहब शायद दुनिया के उन चंद लोगों में से हैं जो खान साहब से ज्यादा खुश हैं। Good man always knows his limitations. Go ahead. Make my day. लेकिन जो चीज़ यहाँ समझने की है वो ये कि क्लिंट ईस्टवुड साहब दो तरह के किरदारों के लिए मशहूर। You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. एक था spaghetti western film में the man with no name. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawls at one time or another. दूसरा था इंस्पेक्टर हरिकला। You could ask yourself a question. Do I feel lucky? सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का ये फर्स्ट चनास पुलिस वाला राह चलते किसी आदमी को गोली नहीं मार सकता। I'm afraid you've misjudged me. वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं था जैसे इमरान खान समझते हैं कि वो निकला और उसने गोली मार दी। ये तरीका कोबॉय फिल्मों में होता था जिसमें कोई लॉ नहीं होता था। इंस्पेक्टर हैरी कैलहान ऐसा पुलिस वाला होता है जिसके काम करने का तरीका अलग है, नतीजा वही है जो पुलिस को चाहिए। 1971 में जब इमरान खान टेस्ट क्रिकेटर बन गए थे और उसी टेस्ट क्रिकेटर बनने की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, तो उस ज़माने में डर्टी हैरी सिनेमा में लगी हुई थी। पोस्टर्स होंगे बड़े बड़े, खान साहब ने देखा होगा, दिमाग में पीछे चल रहा होगा वही वेस्टर्न फिल्म, जोड़ा एक फ़ोटोकॉपी निकाल के मार्केट में डाल दी कि डर्टी हैरी एक ऐसा पुलिस अफसर है जो गोलियाँ मारता है लोगों को, बाउंटी हंटर है वगैरह वगैरह। मेरे कहने से क्या होगा, आप मुझे USB दीजिए, मेरे पास सारी फिल्में पड़ी हैं डर्टी हैरी वाली, तो वो सारी फिल्में आप देखिए और फिर फैसला कीजिएगा कि खान साहब सही हैं या भाई साहब सही। You find out, you let me know, huh?